खरगोन शहर सहित जिले में शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्राम ठिपगांव में रोटरी क्लब और ब्रह्मा कुमारी प्रजापत विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक दिवस पर मुक्तिधाम पहुंचकर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर डॉक्टर जगदीश चंद्र पाल, भारत यादव, किरण बहन, डॉक्टर के राठौर सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इसके बाद ग्राम ठिपगांव स्थित हाई स्कूल के बच्चों के बीच डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया गया और शिक्षकों का सम्मान किया गया। साथ ही स्कूल परिसर में छायादार फलदार पौधों का रोपण किया गया। शिक्षक दिवस पर निजी स्कूलों में भी शिक्षकों का आदर्श कार्यों को लेकर सम्मान किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां पेश की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। रखा पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण किया गया यहाँ के मुक्ति धाम में, यहाँ के स्कूल परिसर में। आज सभी पर्यावरण के बारे में जानते हैं कि पर्यावरण असंतुलित हो चुका है। वर्षा का समय पर होना, अतिवृष्टि होना, सूखा होना, वार्मम ग्लोबिंग के अंदर इस साल जो गर्मी रही उसका टेम्परेचर का हमने सबने अनुभव किया, तो वृक्षारोपण के महत्व को आप सभी जानते हैं। आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति 25 पेड़ है और कनाडा में प्रति व्यक्ति 1,959 पेड़ है। अब आप सोचिए कितना अंतर है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबकी जवाबदारी है कि कम से कम 2 पौधे लगाएं और उनको जीवित रखें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, समय पर वर्षा हो, सभी मौसम अपने समय समय पर अपना पूरा दायित्व निभाए और जो एक उसकी होना चाहिए उसकी प्रक्रिया वो होना चाहिए, क्योंकि 42 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता तो असहनीय होता है, लेकिन इस वर्ष काफी टेम्परेचर हो गया था, तो हम सब जागरूक होकर के सभी संस्थाएं इस ओर अग्रसर हो रही है कि अधिक से अधिक हमने भी रोटरी क्लब की ओर से यह हमारा 7वां। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।